इंदौर के पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय में मंगलवार को 71वें नव आरक्षक बुनियादी प्रशिक्षण शिविर का रंगारंग समापन हुआ। प्रशिक्षण के दौरान 1060 नव आरक्षकों ने गहन प्रशिक्षण लिया। इंदौर शहर के पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय में पिछले एक साल से नव आरक्षक प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे थे। मंगलवार को इनके प्रशिक्षण का समापन हुआ। इस अवसर पर दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया, जहां मुख्य परेड की सलामी अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक अशोक अवस्थी ने ली। परेड कमांडर राजू रघुवंशी की कमांड में सभी नव आरक्षक विभिन्न 17 टोलियों में विभक्त बड़े चले जा रहे हैं अपनी मंजिल की ओर। कदम कदम बढ़ाए जाओ, खुशी के गीत बंद से कुछ ही क्षणों में गुजरने जा रहा है ये काफिला, जिसके प्लाटून नंबर 1 के कमांडर हैं प्रियंका मिश्रा और अर्चना तिवारी। अपने पासिंग आउट परेड पर परेड करना, जिसका सपना विगत 10 माह से यह नव आरक्षक देख रहे थे और आज वाकई में इनका सपना पूरा हुआ है आप सभी के आशीर्वाद से और पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज के स्टाफ की अत्यधिक मेहनत से। प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे नव आरक्षकों में 699 महिला एवं 361 पुरुष आरक्षक शामिल थे। परेड का संचालन कमांडर राजू रघुवंशी ने किया। आरक्षकों को शपथ एसपी अजय सिंह ने दिलाई। इस अवसर पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले नव आरक्षकों को सम्मानित भी किया गया। भारतीय दंड संहिता तथा लघु अधिनियम में सत्र का सर्वोत्तम प्रशिक्षण ट्रेनिंग दी जाती है। पेपर कमांड राखी मिश्रा शारदा झाबुआ से है, जिला देवास से है, 3500 सर्टिफिकेट और जो कि कटनी जिले के जबलपुर जिले से है। आज बड़ा खुशी का दिन है, आज पीटीसी इंदौर में से 1060 नव आरक्षक स्त्री और पुरुष दोनों पास आउट हुए हैं, जिसमें 690 जो हैं महिला नवारक्षक हैं। ये शीघ्र ही जिले ज्वाइन करके हमारे पुलिस की स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगी। इसी प्रकार से 31 मार्च तक हमारे लगभग 5,000-5,500 जो आरक्षक हैं ये पास आउट हो जाएंगे और 700 के करीब सब इंस्पेक्टर और सूबेदार और 45 डीएसपी। तो इनसे हम लोग प्रयास करेंगे कि पुलिस की जो कार्य है उस पर जनोन्मुखी और बन पाए और जनता को इसकी राहत मिल पाए। पीटीसी इंदौर ने विगत एक वर्ष में ट्रेनिंग में काफ़ी नवीन नवाचार किए हैं, इसके फलस्वरूप हम लोग नवारक्षकों के अंदर उनका स्तर में देखेंगे। आपने देखा भी है परेड उनकी काफ़ी अच्छी है। इसके अलावा जो आगे वो क्रियाएं करेंगे वो भी उच्च कोटि की हैं। प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे नव आरक्षकों ने भी अपने अनुभव साझा किए। अब मुझे बहुत गर्व हो रहा है कि आज मैं पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज इंदौर में ट्रेनिंग कर रहा हूं तथा आज मेरी पीओपी पासिंग आउट परेड कंप्लीट हो चुकी है और ये मेरे पापा जी हैं जो कि मम्मी जी और ये मेरी बुआ जी और ये मेरे दोस्त अजय कुमार दीक्षित आज यहाँ पे पासिंग आउट परेड में मेरे साथ शामिल हुए। मुझे बहुत ही गर्व एवं खुशी हो रही है कि आज ये लोग मेरे साथ हैं। तक पहुँचने मुझे लगभग 9 से 10 महीने की बहुत कड़ी ट्रेनिंग हुई, जिसमें जंगल कैंप और लाइन ऑर्डर जैसी ड्यूटी भी शामिल रही तथा बहुत ही कठिन वेपन टैक टेस्ट फायरिंग और भी कई प्रकार के ऑप्टिकल हैं साइट, वो भी बहुत बड़े बड़े ऑप्टिकल बताए गए तथा अत्यधिक साधनों से लैस ये ट्रेनिंग सेंटर और बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पे ट्रेन किया जाता है लड़कों को। अब बहुत मेहनत के बाद आज ये दिन आया है, पता है मैं बहुत खुश हूँ, मैं कितने दिनों बाद मैं अपनी फैमिली से मिल रही हूँ। फाइनली आज हम फ्री हो गए ट्रेनिंग से, बहुत मेहनत की, कुछ नहीं, जब हम शुरू में आए थे हमें कुछ भी नहीं आता था, अब हम बहुत कुछ सीख गए हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीजें
राइफल चलाना, राइफल को खोलना, बहुत सारी एक्टिविटीज जो होती हैं हमारे लिए, तो वो हमने की, जैसे रनिंग हुई और हमारे इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं वो हमने अपने कवर किए सारे। बहुत से टास्क हम लोगों को दिए जाते हैं तो वो भी हम लोग कंप्लीट करते हैं। बहुत सी एक्टिविटीज हमको दी जाती हैं अलग अलग हमारी फील्ड को लेके, वो भी की जाती है। कम से कम 9 महीने की होती है हमारी ट्रेनिंग, बट हमें पूरा करते करते 1 साल हो ही जाता है। जो भी जिस तरीके से हम लोगों को ट्रेनिंग दी गई है उसके हिसाब से हमें बिल्कुल परफेक्ट बना दिया गया है कि किस हिसाब से जो भी हमारे लिए परेशानियां आती हैं कैसे उनसे हमें लड़ के आगे निकलना है, और किस हिसाब से कोई अगर हमें टास्क मिल रहा है तो उसको कैसे कम्प्लीट करना है, ये सभी चीजें। कार्यक्रम के समापन पर आगंतुक सभी अतिथियों का आभार SP मनीषा पाठक सोनी ने व्यक्त किया।